श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 36 हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना। सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे यह उत्सुक होकर पूछना तथा हनुमान का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनयुक्त वचन बोले। महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। देवी, ये श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो, अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख खरूपी फल मिल रहा था वो अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लजीली विदेहबाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी शक्तिशाली और बुद्धिमान हो क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद्दलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुली के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी न तो भय होता है और न घबराहट ही। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। दुर्धर्ष वीर श्री रामचंद्र जी विशेषत मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। ये जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं? अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं तो भी अब तक जो चुप बैठे हैं इसमें उनका नहीं मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। अच्छा, ये तो बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्रीराम पुरुषोचित कार्य पुरुषार्थ करते हैं? क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीराम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दानरूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान भेद और दंड इन तीन प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं? क्या श्रीराम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं? क्या राजकुमार श्रीराम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं? दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ। इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। परंतु इन दिनों दुख पर दुख
ख उठाने के कारण श्रीराम अधिक खिन और शिथिल तो नहीं हो गए हैं? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्य मनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्रीराम मुझे इस संकट से उबारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे? क्या श्रीमान वानर राज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता है, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों से थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्रीराम का वह सुवर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है? धर्मपाल के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना? दूत, उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं, जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता जी का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। देवी, कमल नयन भगवान श्री राम को ये पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं। इसीलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से शची को उठा ले गए, उस प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा, तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अपने बांध समूहों द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांध कर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से सूनी कर देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु, देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। आर्य, आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है, अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। देवी, मंदर आदि पर्वत हमारे वास स्थान है और फल मूल भोजन, अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दर्दूर पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुंदर नेत्र, बिम्फल के समान लाल लाल ओट और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। विदेह नंदिनी, ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्रवण गिरि के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगी। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा चार समय उपवास करके पांचवें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और नीवार आदि भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं है। नरश्रेष्ठ, श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आंख लगी भी तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं।
किसी फल, फूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं, तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिये कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। देवी, राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं, सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गईं। उस समय विदेहनंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त, अंधकार और प्रकाश पूर्ण रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थीं।